मध्य प्रदेश में भाजपा ने यह सोचकर 39 सीटों पर प्रत्याशी तय किए थे कि पार्टी को फायदा होगा और तैयारी का वक्त भी मिल सकेगा। ये दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिन 39 सीटों पर टिकट तय कर दिए गए हैं, उनमें से करीब एक दर्जन सीट ऐसी है जहां विरोध शुरू हो गया है। सबसे तगड़ा विरोध इंदौर भाजपा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर का हो रहा है। सांवेर से निकालकर उन्हें सोनकच्छ भेजा गया है। उनके टिकट का विरोध कर रहे हैं पूर्व भाजपा विधायक राजेंद्र वर्मा। 23 अगस्त को सैकड़ों गाड़ियों का काफिला ले जाकर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी बात रखी है। सोनकर के विरोध का आलम यह है कि टिकट ऐलान होने के हफ्ते भर बाद भी सोनकच्छ नहीं जा सके। देवास के जिला भाजपा कार्यालय पर ही स्वागत सत्कार हुआ और वापस लौट आए। अब दावा किया जा रहा है कि 27 और 28 अगस्त को रैली निकालने वाले हैं। मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि राजेश फंस गए हैं। उनकी पारिवारिक विरासत रही सांवेर विधानसभा सीट से दूरी हो गई है। सोनकच्छ में अपनी ही पार्टी के लोग विरोध में उतर आए हैं। मुकाबला भी कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा से है। अगर चुनाव जीत गए तो कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं हार गए तो राजनीति पर फुल स्टॉप भी लग सकता है। आसार तो यह भी है कि सोनकच्छ सहित 7-8 विधानसभाओं के टिकट फिर से बदले जाएंगे। कई सीटों पर विरोध शुरू हो गया है। भोपाल उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व महापौर आलोक शर्मा के खिलाफ संघ नेता मांगीलाल वाजपेयी ने मोर्चा खोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि ना जाने कौन सी घुट्टी पिला दी है शर्मा ने। महापौर का चुनाव भी वही लड़ते हैं और विधानसभा का भी। पन्ना के गुन्नौर में भाजपा प्रत्याशी बनाए गए वर्मा का विरोध महिला नेता अमिता बागरी कर रही हैं। उनका कहना है कि यहां वंशवाद जोरों पर है। पहले पिता को टिकट दिया गया और अब बेटे को। गुना जिले की चाचौड़ा सीट से प्रियंका मीणा का टिकट होने के बाद पूर्व विधायक ममता मीणा ने सवाल उठाए हैं। कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं से बिना पूछे ही पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया है। मुरैना की सबलगढ़ सीट से भाजपा ने सरला विजय रावत को प्रत्याशी बनाया है। इसके खिलाफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत के बेटे आदित्य ने आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर मैसेज लिखे थे, बाद में डिलीट कर दिए। सागर की बंडा सीट पर पूर्व भाजपा सांसद शिवराज सिंह लोधी के बेटे वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया गया है। यहां भाजपा नेता रंजोर सिंह और उनके समर्थक आवाज उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ नारेबाजी भी की। छतरपुर की महाराजपुर सीट से विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध हो रहा है। भाजपा के ही एक गुट ने उनका पुतला जलाया और वंशवाद का आरोप लगाया। छतरपुर की शहर सीट से पूर्व विधायक ललिता यादव को टिकट दिया गया है। उनका विरोध पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के समर्थक कर रहे हैं। वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाना चाहते हैं। बालाघाट की लांजी सीट से प्रत्याशी बनाए गए राजकुमार कर्राहे के खिलाफ भी गुस्सा है। पूर्व विधायक रमेश पटेल के लोग उन्हें भगोड़ा कह रहे हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट मिलते ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया ने बगावत कर दी है। वह भी भाई भतीजावाद का आरोप लगा रहे हैं। भिंड की गोहद सीट से भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाया है। इसके खिलाफ रणवीर जाटव ने नाराजगी जताई है। इन्हें मनाने का जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। इसी तरह के सियासी आकलन के लिए देखते रहिए द फोर्थ।